आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो यंग लड़के लड़कियों में बहुत ज्यादा कॉमन है, वो है पिंपल का मसला। पिंपल यंग एज में हार्मोनल चेंजिंग हो रही होती है तो उसकी वजह से पिंपल का इशू बहुत ज्यादा हो रहा होता है। और आज हम आपको पिंपल की दवाई बताएंगे, दवा बताएंगे पिंपल के हवाले से, होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, एहतियात बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि ये बेसिकली ये क्यों होता है। पिंपल जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि नॉर्मल रूटीन में जब एक यंग एज होती है यानी टीन एज में जब लड़का या लड़की आते हैं यानी 15, 16, 17 तो इस एज में जो है वो उनके चेहरों पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में चूंकि दो तरह की प्रॉब्लम हो रही होती हैं, अगर हम बात करें तो एक हार्मोनल चेंजिंग हो रही होती है, सेकेंडली उनके खाने पीने की रूटीन और उठने बैठने की सोने जागने की रूटीन भी चेंज हो रही होती है। इस वजह से पिंपल का मसला जो है वो यंग गर्ल के लड़कियों में ज्यादा वो होना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ओल्ड एज में भी जिन लोगों के मैदे का मसला कंटिन्यू रहता है, स्टमक प्रॉब्लम रहता है, तो उनके साथ ये ज्यादा एज में भी यानी अगर वो 25-30 साल की उम्र भी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी उनके लिए पिंपल का मसला हो रहा होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, वैसे तो बहुत सारे तरीके इलाज हैं जो पिंपल के लिए जो है बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, पिंपल की दवा के लिए जो है बहुत सारे मेथड अप्लाई किए जाते हैं। आज हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इस हवाले से बताएंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देती हैं पिंपल्स के हवाले से। पिंपल्स में ना सिर्फ इंटरनली मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है होम्योपैथिक की, उसके साथ साथ एक्सटर्नली मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाती है। यानी वो अगर हम बात करें पहली दवा की, वो है बर्बेरेस एकोफोलियम। बर्बेरेस एकोफोलियम पिंपल्स के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है और बहुत सारे जो है नॉर्मल केसों में जो है ये दी जाती है। यानी बहुत सारे केसेस ऐसे केसेस जो नॉर्मल रूटीन के होते हैं उनमें सबसे पहले जो मेडिसिन दी जाती है वो बर्बेरेस एकोफोलियम दी जाती है। इसके अलावा जब केस चेकिंग की जाती है तो अमूमन ऐसे पेशेंट के जो है वो स्टमक प्रॉब्लम भी होती है, पानी कम पिया जा रहा होता है तो उसकी वजह से भी जो है पिंपल्स जो है वो ज्यादा हो रहे होते हैं, या तो उस कंडीशन में जो है पल्सटीला बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। और खास तौर पे फीमेल्स को जब पल्सटीला बर्बेरेस एकोफोलियम के साथ दी जाती है तो प्योरीफायर नहीं हो रहा होता नॉर्मल रूटीन के हवाले से, तो ऐसी कंडीशन में सारसाप्रिला भी जो है वो साथ में मदर टिंचर में दी जाती है। वो चूंकि ब्लड प्योरीफायर है तो वो पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके साथ साथ अगर बायोकेमिक के हवाले से बात की जाए तो फेरमफॉस बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। और अगर मुख्तलिफ मजीद सिम्टम की तरफ जाया जाए तो माथे पे जिनको पिंपल ज्यादा होते हैं तो कालीब्रोम ऐसे पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसी तरह से जो लोग जो बच्चे बच्चियां जो है ज्यादा चटपटे खाने खाते हैं और इतना ज्यादा उनका उठना जो है वो एक्सरसाइज या नहीं होती, पढ़ाई में ज्यादा लगे हुए होते हैं, मेंटली वर्क ज्यादा हो रहा होता है, तो ऐसे बच्चे अगर नक्स फॉर्मी का इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं।